दिन के दुर्गा पूजा उत्सव के बाद आज विजयदशमी को भव्य रूप से माँ दुर्गे के प्रतिमा का विसर्जन किया गया। यहाँ मध्य द्वार के बानरहाट ब्लॉक इलाके के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 70 से 80 दुर्गा पूजा पंडालों की प्रतिमा यहाँ विसर्जन करने के लिए गैर कटा आंगड़ा भाषा नदी के पास में पहुंची, जहाँ भव्य मेले का आयोजन किया गया था। बानरहाट प्रखंड इलाके के गैर कटा में प्रखंड इलाके के सभी चाय बगानों से बाजार बस्तियों से दुर्गा पूजा प्रतिमा का विसर्जन का कार्यक्रम यहाँ पर अभी चल रहा है, विसर्जन किया जा रहा है। वही देखा जा रहा है कि जलपाईगुड़ी पुलिस बानरहाट थाना और बिनागुड़ी आउट पोस्ट के ऑफिसर लोग यहाँ ड्यूटी में तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से निगरानी से देख रहे हैं और कोई भी चूक ना हो इसके लिए पुलिस पूरी तरह से सजग है और पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक को हर गाड़ी को एक एक करके इसको यहाँ से पास किया जा रहा है और यहाँ ये सुरक्षा का बहुत अच्छा व्यवस्था हो रहा है। दूसरे तरफ से आप देख सकते हैं विसर्जन के लिए ये ट्रकों में गाड़ियों में प्रतिमा विसर्जन को लेकर यहाँ पर विसर्जन करने लोग भक्त आ रहे हैं। वहीं पर पुलिस प्रशासन की ओर से जबरदस्त व्यवस्था यहाँ किया गया है सुरक्षा का, किसी तरह का दुर्घटना ना हो इसलिए ट्रैफिक ओसी भी यहाँ पर ड्यूटी में है और हमारे बिनागुड़ी आउट पोस्ट के ओसी साहब यहाँ पर जो है पूरा निगरानी कर रहे हैं कि कोई चूक ना हो। तो पुलिस का पूर्ण व्यवस्था आप इधर दिखा सकते हैं कि ट्रैफिक से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी लोग भी यहाँ पर है पूरी तरह से सजगता के साथ में। और वही प्रतिमा विसर्जन के लिए देखिए धीरे धीरे अलग अलग जगहों से अलग अलग चाय बगानों से बानरहाट बिनागुड़ी चमोर्ची गैरकटा तोतापड़ा इलाके से ये आपका प्रतिमा लेकर लोग आ रहे हैं और ये पूरी तरह से जो है आज उत्साह के साथ में नाचते गाते हुए लोग पूजा विसर्जन में ये आ रहे हैं यहाँ गैरकटा में पूजा विसर्जन करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमन कुमार झा, आप लोग देख रहे हैं NEI द्वारस न्यूज। आज पूरे द्वारस इलाके के बानरहाट प्रखंड इलाके के 24 चाय बगानों सहित सभी शहर बाजार बस्ती से दुर्गा जी के पूजा के बाद आज विजयदशमी की उत्सव के साथ साथ यहां पर प्रतिमा विसर्जन के लिए गैरकटा आंगड़ा भाषा नदी में लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग चाय बगानों से अलग अलग बिनागुड़ी तेलीपड़ा हल्दीबाड़ी बानरहाट गैरकटा एवं चामुर्ची इलाके से यहां पर लोग प्रतिमा का विसर्जन करने पहुंचे हुए हैं और यहां पर कतार से जो है अलग अलग जगहों के माँ दुर्गे यहां पे लगाई गई है। ये न्यू द्वारस चाय बगान से ये प्रतिमा आया हुआ है यहां पर देख रहे हैं और ये विसर्जन के लिए ये यहां पर आपको ये दिखा रहे हैं। ये आंगड़ा भाषा उद्गम नदी है, ये नदी यहां से महज 1 किलोमीटर पीछे तेलीपड़ा चाय बगान से एकदम धरती से उत्पन्न हुई ये नदी है जो यहाँ आकर एक नदी का रूप ले लेती है और ये आंगड़ा भाषा नदी के नाम से जाना जाता है। दिखाइएगा जल को, ये देखिए कितनी तेजी से ये पानी बह रही है। इसी नदी में, इसी उद्गम नदी में ये सभी माता दुर्गे के प्रतिमा विसर्जन किए जाएंगे और यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और देख सकते हैं आप अलग अलग जगहों के ये प्रतिमा माता दुर्गे का प्रतिमा यहाँ पर विसर्जन के लिए आया हुआ है और भक्तों में काफी उत्साह है। लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और अलग अलग जगह से लोग आए हैं और सभी प्रतिमा यहाँ पर विसर्जन के लिए आया यात्रा चला। आज विजयदशमी है, विसर्जन हो रहा है। कुछ हम लोगों को दर्द भी है कि माँ का विसर्जन हो रहा है, फिर अगले साल इसी तरह से धूम मचेगा। क्या कहना है प्रदीप जी आपको? हम लोग का जो नवरात्र शुरू हुआ 10 दिन बहुत खुशी की आनंद किया, लेकिन दुख यह है कि माँ आज चला जा रहा है। यही हम लोग का पास बहुत दुख है, यही बोलेगा आज क्या। तो देखिए भक्तों के आंखों में नमी भी है, उत्साह भी है, जोश भी है
और यहाँ पर हर तरह के लोग आए हुए हैं, हर चाय बगान से, बानरहाट इलाके से हो गया, चमरची से हो गया, प्लासपाड़ी से हो गया, उसके बाद आपको बिनागुड़ी, गैरकटा, तेलीपाड़ा, एथलबाड़ी, सभी जगहों से द्वारस के, इस मध्य द्वारस इलाके के लगभग हर जगह के दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन इसी अंगड़ा भाषा नदी में किया जाता है। और यहाँ पर भक्तों में उत्साह देख रहे हैं कुछ महिलाएं, क्या आज का दिन आप लोग का एक साल का बाद फिर आएंगे, फिर माता आएगी, एक फिर माता आएंगे, तो इसलिए नमी भी है, मतलब दुख भी है, दुख भी है और खुशी भी है, खुशी भी है कि माता को हम लोग श्रद्धा पूर्वक विदाई कर रहे हैं। अच्छा, कुछ कुछ महिलाएं बोलना चाहेंगे आप लोग, ये मन लगते से की बोलते चाहें? हम लोग बानरहाट पहुंच गए बागान में, ভালো লাগে, কিন্তু মন খারাপও করে, মা চলে যাচ্ছে, আবার একটা বছরের অপেক্ষা, সেটা ওর জন্য আনন্দও হয়। কি নাম গো? চিত্রা দত্ত। চিত্রা দত্ত। তো দেখিয়ে ये महिलाओं का कहना है कि देखिए ये तो देवी का ही पूजा है, आप लोग भी देवी का रूप है, आपका क्या कहना है मैडम? ये तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी माँ को हम लोग को दुखी भी है, खुशी भी है, अभी हम लोग क्या बोलने चाहेंगे। क्या नाम है आपका? विद्या मुर्मू। तो देखिए यहाँ पर माता के जाने का दुख भी है मन में, विदाई का, विसर्जन का, और खुशी भी है। और यहाँ पर एक जो अनुभवी महिला है इनसे बात करते हैं। आप इस बार का दुर्गा पूजा का त्यौहार कैसा रहा, और आज माता जी को हम लोग अपने उनके प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो पूजा हुआ है, पूजा का जो समय सूची था वो समय सूची का बहुत टाफ था, लेकिन এই বার যে পূজোটা ছিল সেই পূজোর নিয়ম মাফিক, যেহেতু আমাদের এটা একটা ঐতিহ্যপূর্ণ পূজো, সেই পূজোর নিয়ম মাফিক হয়। প্রতিবার যে নিয়মে আমরা সময় মাফিক সমস্ত কিছু করি, তাই সকালে যে আমাদের একদম সকালবেলা উঠে সেই রাত দুটোর সময় সবাই উঠে, এই মহিলারা আমরা একদম মাকে আরাধনার জন্য যতটুকু আমাদের সাধ্য করেছি, আর এটা হতে সবচেয়ে বড় কথা, আজকের দিনটা আমরা যেমন ভাবে আনন্দ করছি, কিন্তু পাশাপাশি একটা বছর ধরে ওয়েট করি যে আমরা এই পূজোটাকে ভালো করে পালন করব, আনন্দ করব, কিন্তু আজকের দিনটা যতটা না আনন্দ তার থেকে বেশি দুঃখজনক যে আমরা এক বছরের মধ্যে মতো দিন অতিবাহিত করে আবার মাকে পাবো। তাই কি কি নাম আপনার? আমার নাম সীমা দে। আর এটাই বলবো, মা যেন সকলকে আশীর্বাদ করেন যে সবাই যেন সুস্থ সবলভাবে আমরা জীবন যাপন করতে পারি। তো দেখিয়ে সবই মে মন মে মাতাকে বিসর্জন কা থোড়ি দুঃখ হ্যায়, লেকিন খুশি হ্যায় কি আগলে বর্ষ ফির এ নবরাত্র কা ত্যোহার আয়েগা আর ধুমধাম সে ইসকো মনায়া যায়েগা। দেখিয়ে ভক্ত লোগো মে ইয়াহাঁ পর উৎসাহ ভি হ্যায়, তো নাচ উৎসাহ ভি মনা রহে হ্যায়, और आंखों में नमी है कि फिर अगले वर्ष माँ रानी आएगी, माता रानी आएगी, और फिर ये दुर्गा पूजा होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी महिलाएं भी माता के भक्ति में झूमने, नाचने, गाने लगी है, और ये उत्साह आपको देखते ही बन रहा है। ओम प्रकाश सरोगी जी, आप मेला कमेटी में हैं हर वर्ष की तरह, इस बार क्या क्या तैयारी है? इस बार सब हम लोग हाइड्रा से विसर्जन दे रहे हैं, और एक बार मिनिमम हम लोग का 60 से 70 प्रतिमा आने का बात है, और सब वॉलेंटियर है, पुलिस प्रशासन सब हम लोग का साथ में है। हम लोग शाम का 9 बजे तक मेला को जमा के रखेंगे अच्छा से। 9 बजे से पहले पहले विसर्जन करवाना है? हाँ, 9 बजे से पहले पहले हम लोग विसर्जन दे देंगे, कोई एक दो बाकी हुआ तो अलग बात, कल भी होगा। अच्छा, प्रोग्राम है हम लोग तो दो दिन का यहाँ विसर्जन, मेला कमेटी गैरकटा का दो दिन का कार्यक्रम है यहाँ पर विसर्जन का, आज और कल, आज और कल है दो दिन, 13 और 14 मेला कमेटी। तो की बोलते चाहें एबार की तैयारी अच्छे, कई दिन प्रोग्राम अच्छे? एबार हमारे दो दिन प्रोग्राम अच्छे, हाँ। ये कत तो टाइम पर्यंत तो चल रही है? इटा रात 10 अवधि चल रही, 10 की व्यवस्था अच्छे? एबार এখানে আমাদের সব কিছুই রাখা আছে, আপনার অ্যাম্বুলেন্স থেকে নিয়ে মেডিকেলে যত ইয়ে ছবি ইয়ে সব কিছুই রাখা আছে, আমাদের মেডিকেল টিম আছে, মেডিকেল টিম আছে, খাওয়ার জলের ব্যবস্থা, খাওয়ার জলের ব্যবস্থা আছে,
এইবার খুব ভালো ব্যবস্থা আছে, খুব ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। এবার দুইবার হচ্ছে, দুই দিন হচ্ছে। আমাদের পাবলিকেরও খুব উৎসাহিত, ওরা দুই দিন মেলা করবে। আপনার বলছে আমি কমিটির সেক্রেটারি, উনি इनका कहना है कि इस बार सब तरह का व्यवस्था है, एम्बुलेंस से लेकर फायर वगैरह सारे परमिशन है। पुलिस प्रशासन भी सजगता के साथ में इस विसर्जन मेला में अपनी सजगता दिखाते हुए यहां सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था के लिए चार चौबंद पुलिस भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहां पर ये लोगों में उत्साह है। इधर अलग अलग जगह पर ये केस के मेला भी लगा हुआ है। और इस तरफ में दिखाइए, गैरकटा यहाँ के हर राजनीतिक दल के लोग भी उपस्थित है और यहाँ अंचल के सभापति हैं। और यही बार तो देखा जाता कि कोई बच्चर थी के ये क्या मशीन जेसीबी किरान मशीन दिए विसर्जन होते यही बार की विशेष आते विशेष आते होते इकने इस बच्चर आमंत्रित सभाई मिले আমাদের এই মেলাটা কোনো রাজনৈতিক ধর্ম বর্ণ কই রাখে না। আমরা সবাই মিলে গয়কাটার ঐতিহ্যকে বজায় রাখি। এবছর আমাদের এই মেলা আমরা দুই দিন করার চেষ্টা করছি, তাতে এখানকার অর্থনৈতিক পরিকাঠামো কিছুটা হলেও মানুষের ভালো হবে। সাধারণ মানুষ এখানে দোকানদারি করে, মিষ্টির দোকান দেয়, কেউ মাটির দোকান দিচ্ছে, এসব করে ন্যূনতম মানুষের কিছুটা আয় বাড়বে। মানুষ খুশি থাকবে, মানুষ খুশি থাকলে উৎসব আরো প্রাণবন্ত হবে, এটাই আশা। আপনার পরিচয়? আমি মানস রঞ্জন ঠাকুর, তৃণমূল এক নং শাকপাজন অঞ্চল সভাপতি। দেখেন ইহা পর জো হ্যায় সভি জাতি আর সভি সনাতন ধর্ম প্রেমী আর সভি দল একসাথ মিলকর বিনা ভেদভাব কে ইস কার্যক্রম কো কর রহে হ্যায়। আর দেখিয়ে ইহা বিসর্জন কা কার্যক্রম শুরু হো গিয়া হ্যায়। ইস বিশাল মশিন সে यहाँ पर विसर्जन इसी मशीन के द्वारा यहाँ पर किरान से यहाँ पर प्रतिमा का विसर्जन नदी में किया जाएगा। सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था किया गया है, किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसलिए यहाँ पर किरान लगाकर आधुनिक मशीन लगाकर यहाँ पर विसर्जन का कार्यक्रम मशीन द्वारा रहेगा। और प्रतिमा को भी इन मशीन के द्वारा ही उतारा जा रहा है। और ये प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम अभी शुरू हो गया है, तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज। मैं रमन कुमार झा, गैरकटा। गैरकटा दुर्गा पूजा विसर्जन कमेटी की ओर से मशीन का व्यवस्था किया गया है और ऐसे मशीन द्वारा किरान से आधुनिक मशीन द्वारा प्रतिमा को उठाकर विसर्जन किया जा रहा है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे कैसे प्रतिमा का विसर्जन यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए मशीन से कैसे प्रतिमा को उठाया जा रहा है और इसे